हेलो एंड वेलकम। जैसे कि हम काफ़ी तर्क वितर्क देख रहे हैं इस टॉपिक पर कि स्पीच की क्या वैल्यू है, तो मोदी जी ने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कही है कि साइंटिफिक एप्लीकेशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है इस कॉन्सेप्ट में। और जैसे कि हम देख रहे हैं मोदी जी के अनुसार हमें हर क्षेत्र में विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, और ये आपके जॉब सेक्टर में भी उतना ही कारगर है ये चीज़। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जॉब सेक्टर में हम साइंस का एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जॉब पाना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए इतनी शिकायत है। इस अच्छी सी स्पीच के बाद भी हम देख पा रहे हैं कि इतने ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसका अर्थ यही है कि लोगों को या तो ये लगता है कि जॉब पाना के लिए आप बहुत धक्के खाएंगे, या आपको बहुत एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करना पड़ेगा, और एक तरीके से ये एक टेंशन क्रिएट कर रहा है आपके ऊपर। तो इस टेंशन को आप फ्री होने के लिए भी आप साइंस का एप्लीकेशन करें। किस तरीके से हो सकता है, आप अपनी हेल्थ के प्रति ज़्यादा सतर्क रहें। यहाँ पे आप एक सिंपल फार्मूला ऑफ साइंस देख रहे हैं, CO2 प्लस H2O C6H12O6। ये वो रिएक्शन है जो पत्तियों में होती है, और इस तरीके से जिस तरीके से पत्ती अपने हेल्थ का केयर लेती है, आपको भी अपना हेल्थ का केयर लेना चाहिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स के प्रति और भी अच्छे लगन के साथ आप तैयारी कर सकें। अब उसके अलावा जॉब्स के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ब्रेन स्ट्रेंथ चाहिए,